तरीके से उन तमाम इवेंट्स को हम खुश उसलूबी के साथ मुकम्मल कर सकें। आप सबको पता होगा कि कराची शहर के अंदर आने वाले हफ्तों में PSL का इवेंट होने वाला है, नेवी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है जिसके बारे में चीफ मिनिस्टर साहब ऑलरेडी एक ब्रीफिंग ले चुके थे। उसके अलावा कराची शहर के अंदर वेस्ट इंडीज़ की विमेन क्रिकेट टीम आने वाली है। इन तमाम चीज़ों के बारे में चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कंसर्न DIGs हैं उनसे ब्रीफिंग ली कि उन्होंने क्या प्लान चॉकआउट किया है, किस तरीके से हम एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं तमाम लोगों के लिए, वो लोग जो इंटरनेशनल विजिटर्स कराची शहर आएंगे और हमारे अपने कराची के शहरी, ताकि उनको कम से कम तकलीफ़ हो इस तमाम प्रोसेस के अंदर। इस बारे में भी कमिश्नर कराची से बात की गई और होम सेक्रेटरी से बात की गई कि किस तरीके से कराची को हम और बेहतर तरीके से उजागर कर सकते हैं इस तमाम प्रोसेस में, ताकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान का, सूबाई सिंध का, कराची का मुस्बत पहलू हम दुनिया के सामने उजागर कर सकें। वो तमाम स्ट्रेटजीज डिस्कस की गई और चीफ मिनिस्टर ने तमाम कंसर्न अथॉरिटीज़ को इस बात की डायरेक्शन दी कि हम सबको मिलकर काम करना है, अच्छे तरीके से काम करना है, ताकि जिस तरह माजी में हमने इन तमाम इवेंट्स को कामयाबी के साथ कराची शहर में मुनक्किद किया और दुनिया भर ने देखा, उसी तरीके से, मिसाली तरीके से इस बार भी हमें उन इवेंट्स को कंप्लीट करना होगा। इसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर साहब ने एक और अहम इशू की तरफ पुलिस से ब्रीफिंग ली और वो जो ड्रग्स का इशू है इस वक्त कराची शहर के अंदर, जो एक और नशावर मर्ज हमारे शहर में स्टार्ट हो गया है आइस से रिलेटेड, उसके बारे में चीफ मिनिस्टर साहब ने बरहमी का इजहार किया कि अभी तक इसकी रोकथाम के लिए क्या काम किया जा चुका है और क्या काम करने की ज़रूरत है। IG सिंध ने और जो कंसर्न DIGs हैं उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब को बताया कि उन्होंने क्या क्या पेशरफ्त इस काम में की है, किन किन गैंग्स को बस्ट किया गया है और क्या काम करने की ज़रूरत है। चीफ मिनिस्टर साहब ने इस बात पर जोर दिया कि हमें कोशिश करनी है कि ये लोग, वो साजिशी अनासर जो कि इन ड्रग्स की तरवीज इस शहर में करें ताकि हमारी नौजवान नस्ल को ख़राब किया जा सके, उनके खिलाफ़ अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई की जाए ताकि हम अपने बच्चों को महफूज कर सकें और तमाम इस तरह की सिचुएशन को टैकल कर सकें। आखिर में चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर वापस अगले हफ्ते ब्रीफिंग ली जाएगी ताकि हम पेशरफ कर सकें, अगर कोई इश्यूज़ हैं गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के उसको भी रिजॉल्व कर सकें और अगर सोसाइटी से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं तो उनको भी हम रिजॉल्व कर सकें। अच्छा मीर साहब, ये बताएं कि पिछली दफ़ा भी वज़ीर आला जो है वो मुराद अली शाह थे और PSL हुआ था और उसकी मेज़बानी भी जो है वो सिंध हुकूमत ने की थी और फाइनल भी हुआ और खैरियत से हो गया। इस दफ़ा भी फाइनल भी होगा, मेज़बानी भी आप करेंगे और इंशाल्लाह कराची किंग ही फाइनल जीत के आएगी, उसको भी अवार्ड और जो है ट्रॉफी आप ही लोग देंगे। तो PSL से मुतलक क्या, क्योंकि मेहमान आएंगे, खिलाड़ी आएंगे और बहुत सारे मेहमान इसलिए नहीं आ पाते हैं माजी में, ये आमन अमान की सूरत हाल नहीं हुई, किस तरह करेंगे आप सारा? देखिए देखिए, पिछले साल आपने देखा कि सिंध गवर्नमेंट की काविशों के बाद PSL इवेंट का फाइनल कराची शहर के अंदर हुआ और उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ से भी वनडे सीरीज़ के 3 मैचेस कराची शहर में हुए थे और आपने देखा कि कराची के अंदर एक जश्न का समा था, इंटरनेशनल क्रिकेट एक बार फिर पाकिस्तान वापस लौटी थी, कराची ने उसकी मेज़बानी की, हमें फ़ख्र था और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि बहुत बेहतरीन तरीके से, एहसन तरीके से सिंध गवर्नमेंट ने तमाम चीज़ों को मैनेज किया था और एक अच्छा इवेंट हुआ जिससे पाकिस्तान का मुस्बत पहलू उन इंटरनेशनल विजिटर्स के सामने और इंटरनेशनल मीडिया के सामने भी आया। तो इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट कमिटेड है, आपने देखा कि उन काविशों की वजह से लास्ट टाइम एक PSL का फाइनल हुआ था, अब की बार लीग मैचेस भी PSL के कराची शहर में हो रहे हैं, ये कामयाबी है सिंध गवर्नमेंट की, सिंध की मैनेजमेंट की, जिन्होंने मिलकर काम किया तमाम PCB के साथ भी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ और कामयाबी से उन इवेंट्स को मुनक्किद किया। इंशाल्लाह इस बार भी आप देखेंगे कि भरपूर तरीके से PSL को और ये तमाम जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं कराची शहर में होंगे कामयाबी के साथ, खूबसूरती के साथ और एक बार फिर कराची के अंदर जश्न का समा होगा। अच्छा सिंध हुकूमत आज भी कोशिश कर रही है कि हम काम पर फोकस करें, तमाम साजिशों के बावजूद हमने कोई सियासी मीटिंग सुबह में नहीं की, हमने वो मीटिंग की जो सिंध की आवाम की बेहतर मफाद में है, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है, एक ऐसा इशू जो कि आम शहरी से रिलेट करता है। तो ये तमाम चीज़ों के बावजूद सिंध गवर्नमेंट, सिंध का चीफ मिनिस्टर, सिंध की काबीना और सिंध हुकूमत के अफसरान का एक ही एजेंडा है कि हमें रिलीफ प्रोवाइड करनी है सिंध के शहरियों को। ये जो साजिशी अनासर हैं ये साजिश करते रहेंगे, ये हमारा फोकस
मेन इशू से डाइवर्ट नहीं कर सकते। मैं आज भी गुजारिश करूंगा कि जो लोग कहते हैं कि सिंध हुकूमत एक गुब्बारे के मानंद है जिसकी गैस वो कभी भी बर्स्ट कर सकते हैं, मैं समझता हूँ शायद इसी सोच के साथ उन्होंने सिंध की गैस के ऊपर पाबंदी लगाई थी। गुजारिश मैं उनको ये करना चाहूँगा कि कोशिश करें कि जो हमारा आईनी हक है गैस के ऊपर, हमारे सार्फिन का, हमारे घरेलू सार्फिन का, हमारी ट्रांसपोर्ट का, हमारी इंडस्ट्रियल सार्फिन का, उनको वो हक जो आईने पाकिस्तान गारंटी करता है वो हक हमें प्रोवाइड करें, सियासी बातें ना करें। साहब सवाल ये कि मीडिया की वफाकी हुकूमत जो है सिंध हुकूमत गिराने आई थी, ख्वाब देख रही थी सिंध पर कब्जा करने का, उनकी अपनी हुकूमत जो है वफाकी उस पर खतरात मंडलाने लगे हैं। अख्तर मंगल की सरबराही में सीसी का इजलास हुआ बीएनपी का, वो आज फैसला करेंगे कि अगर हम वफाकी हुकूमत के साथ लें या ना दें, इस पर आप क्या देखते हैं? आपकी जो सिंध हुकूमत की हवा निकालने वाले उनकी अपनी हवा तो नहीं निकलने वाली? वो उर्दू का बड़ा मशहूर मुहावरा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई का जो भी ये मकसद था, मुझे नहीं पता ऑफिशियल एजेंडा उनका था या नहीं, क्योंकि कल दो वफाकी वज़रा ने नेशनल टेलीविज़न में इस बात को बड़ा भरपूर तरीके से कहा कि जो फवाद चौधरी साहब करने की कोशिश कर रहे हैं वो पीटीआई का एजेंडा नहीं है। तो मैं समझता हूँ उनकी अपने दोस्त, उनके अपने कॉलीग काबीना में जो हैं वो यू टर्न ले चुके हैं इस इशू पे। और मेरे ख्याल में ये नतीजा आपने देख लिया, कल काफ लीग के भी एक अहम लीडर ने ट्विटर पर यह पैगाम दिया था कि फवाद चौधरी साहब को लगाम देने की ज़रूरत है, ये वफाकी हुकूमत के लिए ठीक नहीं है। मैं बार बार ये गुजारिश करता रहा हूँ कि जो सिंध हुकूमत है ये मखलूत हुकूमत नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने एमपीएस पर मुश्तमिल हुकूमत है। वफाकी हुकूमत को नज़र डालनी चाहिए अपनी वफाकी हुकूमत पे और पंजाब पे जो कि मखलूत हुकूमत है। हम बार बार कहते रहें कि उनके कोलिशन पार्टनर्स उनसे खुश नहीं हैं, और मेंगल साहब का जो ये ऐलान है ये इस बात की तरफ इशारा करता है, और आप देखें आगे आगे होता क्या है। अच्छा, कुछ इनके आज़ाद मेंबरान इनके पास आए थे, सुना है कि वो भी आज़ाद होना चाहते हैं, तो क्या उनकी आज़ादी, क्योंकि आज़ादी तो बुनियादी हक है ना, आज़ाद मेंबरों की आज़ादी में आप कोई किरदार अदा कर सकेंगे? देखिए, हम आइन की सरबुलंदी में बिलीव करते हैं, रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं, हम ये अशोर कराते हैं हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि आइन से मुतसादिम है। जो आज़ाद अरकान हैं ये उनका इस्तेहकाक है कि वो किस बेंच पे बैठे, वो ट्रेजरी में बैठे, वो अपोजिशन बेंचेस में बैठे। हम ये समझते हैं पार्लियामान में बैठा हुआ हर रुकन हमारे लिए काबिल एहतराम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से उन लोगों को अपने साथ लेकर चलेगी और अपोजिशन का किरदार अदा करेगी और इस हुकूमत को बताएगी कि इसकी नाकाम गलत पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान को क्या नुकसान हो रहा है। थोड़ी देर कबल का है कि मैं खंबा और रस्सा तलाश कर रहा हूँ जो शहबाज शरीफ को भेजूंगा कि जरदारी को लटकाए। देखिए, मैं समझता हूँ इन्हीं मनफी चीज़ों ने पाकिस्तान की सियासत को ख़राब किया है। ये जो सड़क पर घसीटने वाली बात है, टांगने वाली बात है, कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने नहीं की, हमारे ख़िलाफ़ की गई है और आज भी हमारे ख़िलाफ़ की जा रही है। जो लोग हमारे गुण माजी में गाते थे आज हमारे ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, शायद इसलिए कि वफाक में हमारे पास इख्तदार नहीं है। हम समझते हैं हम ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं कहेंगे जो गैर अखलाकी है। हम तहजीब के दायरे में रहते हुए बात करेंगे। जहाँ तक आपने सवाल किया आसिफ अली जरदारी साहब का, मैं समझता हूँ वो अपोजिशन के रुकन हैं, एक इम्पॉर्टेंट सियासी जमात के रहनुमा हैं। उनका बुनियादी काम है डेमोक्रेसी के अंदर कि अगर पार्लियामान के अंदर हुकूमत वक्त कोई गलत पॉलिसी लेके आ रही है, कोई ऐसी पॉलिसी लेके आ रही है जो कि पाकिस्तान की आवाम के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान की मईशत के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के बेहतर मफाद में नहीं है, मैं समझता हूँ पार्लियामान में उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि उन गलत पॉलिसीज़ को एक्सपोज करें, और उन गलत पॉलिसीज़ को एक्सपोज करने के लिए अगर वो लोगों के साथ बैठते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, मैं समझता हूँ वो अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करें। जी, वजीर बल्दियात इस इशू पे ऑलरेडी देख रहे हैं, उन्होंने मीटिंग्स का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, बहुत जल्द देखेंगे कि इस इशू को भी एड्रेस किया जाएगा और रिजॉल्व किया जाएगा। जी जी, कराची की आवाम एक कराची पैकेज का वेट कर रहे हैं जो कि वफाक और पहले इमरान खान जब इलेक्शन लड़ने से पहले भी उन्होंने ऐलान किया था कराची के लिए कोई एक्सपेक्टेड पैकेज आएगा। फवाद चौधरी यहां पर आते हैं या इमरान खान भी जब माजी में यहां पर आए हैं तो
वो सियासी गुफ्तगू करते हैं, कराची के जो आवाम के मसाइल हैं उनको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, आप उसके हासिल कर रहे हैं। मैं आपकी बात की बिल्कुल तायीद करूँगा। मैं समझता हूँ हुक्मरान का काम बात करना नहीं होता, काम करना होता है। आपने माजी में देखा कि खान साहब ने बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे कराची शहर और कराची के शहरियों के लिए किए थे, लेकिन आखिर में किसी वादे का वफा नहीं की गई। कोई एक रुपए की भी अगर कंट्रीब्यूशन, कोई इन्वेस्टमेंट वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची शहर के लिए या सूबा सिंध के लिए भी आई हो तो मैं बात करूँगा। हमने बार बार सिंध हुकूमत की जानिब से इस बात को वफाकी हुकूमत के सामने रखा है कि आप हमारी सर्विसेज को इस्तेमाल करते हुए कराची के अंदर अपना डेवलपमेंट एजेंडा लेके आएँ, सूबाई सिंध के शहरियों के लिए कोई डेवलपमेंट एजेंडा लेके आएँ, हम आपके साथ काम करेंगे। लेकिन चूंकि इनके पास कोई एजेंडा है नहीं, ये सिर्फ अपने सियासी मकासद के लिए बयानबाजी करते हैं और उसके बाद यू टर्न ले लेते हैं। मैं आज भी गुजारिश करना चाहूँगा कि इन्होंने ऐलान किया तहरीक इंसाफ ने कि 50 अरब रुपये का पैकेज कराची शहर के लिए लेके आ रहे हैं, तो पहली गुजारिश तो मैं ये करना चाहूँगा कि खुदारा ये तफरीक क्रिएट ना करें। अगर पैकेज लाना है तो पूरे सूबे सिंध के लिए लेके आए ताकि पूरे सूबे सिंध के अंदर डेवलपमेंट का प्रोसेस हो सके, नंबर एक। नंबर दो, मैं कहता हूँ सूबे सिंध का जो हक है, हमारे 90 अरब रुपए जो आज तक वफाकी हुकूमत ने पिछले 4.5 माह में हमको नहीं दिए, मैं समझता हूँ वो आइन की खिलाफ वर्जी है। वो हमारे हुकूक को सल्ब ना करें और वो 90 अरब रुपए फौरी तौर पर सिंध की आवाम को दें, सिंध की हुकूमत को दें, ताकि हम सिंध के अंदर अपना रिफॉर्म का एजेंडा, डेवलपमेंट के एजेंडे को आगे ले जा सकें। अगर वो हमारी मदद करना चाहते हैं, बयानबाजी नहीं अमली तौर पर, तो हमारे पानी के जो मसाइल हैं उसमें हमारी मदद करें। आपके सामने है कि वफाकी वजीर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे पार्लियामान में कहा था कि कराची का पानी माजी में चोरी हुआ है। हमने उस स्टेटमेंट को वेलकम किया इस उम्मीद के साथ कि वो चोरी को रोकेंगे और सूबाई सिंध को उसके हक का पानी देंगे। आज तक हम उस बात के तलबगार हैं कि क्या हमारे हक का पानी हमें मिला। मैं गुजारिश सिर्फ ये करना चाहूँगा अपने उन नादान वफाकी हुकूमत के दोस्तों से कि प्लीज़ बयानबाजी से गुरेज करें। उनका काम है काम करना, काम करें, आवाम की खिदमत करें, बयानबाजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मुन्नी बेगम वाला मसला क्या है, उसकी ज़मीनें अली आदिल शेख पर जो है ना मामला चल रहे हैं, तो मुन्नी बेगम को इंसाफ कब मिलेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि इंसाफ मिलना हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है, चाहे वो मुन्नी बेगम हो या कोई और हो। मैं इस बात की आपको यकीन दहानी कराता हूँ, कुछ केसेस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें मैं समझता हूँ आप सियासी करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ हमारे पीटीआई के दोस्त। वो केसेस मेरिट पर प्रोफेशनली चल रहे हैं, उसके अंदर कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, कोई पॉलिटिकल टारगेट नहीं है। उन केसेस को चलने दिया जाए, जब केसेस फाइनलाइज होंगे कोर्ट आखिर में फैसला करेगी कि आया किसी ने कब्जा किया या नहीं किया। अमूनमान के इजलास में एक बात, अमूनमान के इजलास में एक बात आई थी कि जो कि वजीर आला हाउस की जानिब से जारी हुई कि पुलिस वालों को कह दिया गया कि वो डायरेक्ट मीडिया से बात ना करें, क्या कहा सीएम ने, क्या हिदायत दी थी इस बारे में? जी, ये बात दुरुस्त है कि आपने माजी में देखा कि कभी कभार